नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। संसद के बाद अब कृषि बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, विपक्ष की अपील बेअसर, तीनों विवादास्पद बिल अब कानून बन गए। किसान अधिनियमों के विरोध में आज सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, राजभवन कूच की तैयारी, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। सैलानियों से गुलजार हुई सरोवर नगरी नैनीताल, नैनीताल मसूरी में बड़ी पर्यटकों की भीड़, पार्किंग फुल, वीकेंड के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग। देहरादून मसूरी रोपवे के लिए भूमि चिन्हीकरण का काम शुरू, जल्द शुरू होगा निर्माण, पर्यटन विभाग ने शुरू की तैयारियां। खटीमा में भाई ने ली अपने ही भाई की जान, दर दर हथियार से उतारा मौत के घाट, आपसी विवाद में घटना को दिया अंजाम। रुद्रप्रयाग के संगम से 67 मीटर सुरंग का होगा ट्रीटमेंट, 1960 में हुआ था सुरंग का निर्माण, एक हफ्ते के भीतर शुरू हो जाएगा कार्य। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, भूस्खलन से बड़ी है परेशानियां। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूस्खलन से परेशानियां बढ़ चुकी हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन से रास्ता खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जेसीबी मशीन नहीं खोल पा रही है रास्ता, तो लगातार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग छठांगा के पास बंद, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से भूस्खलन ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, क्योंकि रास्ता खोलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। भूस्खलन लगातार होता चला जा रहा है, 40 से 50 गांव की आवाजाही ठप हो चुकी है इस भूस्खलन की वजह से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेसीबी भी रास्ता खोलने में असफल नजर आ रही है। आपको बता दें 40 से 50 गांव ऐसे हैं जिनका रास्ता ठप हो चुका है। धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग छठांगा के पास बंद हो गया, रास्ता खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। 40 से 50 गांव की आवाजाही ठप हो चुकी है इस भूस्खलन की वजह से। उत्तरकाशी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार प्रशासन और एनएच के अधिकारी जाग ही गए। लंबे अरसे के बाद केदारनाथ हाईवे पर संगम बाजार स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट होने जा रहा है। उम्मीद है कि एक सप्ताह बाद हाईवे पर स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। इसके लिए जियोला जेकल की टीम बुलाई गई है, जो सुरंग के ट्रीटमेंट को सही तरीके से करने के सुझाव देगी। सुरंग के ट्रीटमेंट को लेकर के एनएच विभाग ने 45 दिन के लिए सुरंग से यातायात की रोकने की अनुमति मांगी। एक सप्ताह के भीतर सुरंग का ट्रीटमेंट कार्य शुरू हो जाएगा, जिस पर लगभग 20 लाख की धनराशि खर्च होगी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि सुरंग के ट्रीटमेंट के लिए एनएच की डीपीआर को स्वीकृति मिल चुकी है। पिछले दिनों सुरंग के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में एनएच के अधिकारियों के साथ एक वार्ता आयोजित की गई थी। उनके द्वारा पहले ही इसका जो डीपीआर है डिजाइन, वो स्वीकृति के लिए और टेक्निकल असेसमेंट के लिए भेजा जा चुका था। वर्तमान में एनएच को उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। एनएच के माध्यम से इसमें 45 डेज के लिए ट्रैफिक को रोके जाने के लिए अनुमति मांगी गई है। वर्तमान में इसके कोऑर्डिनेशन के लिए प्रक्रिया गतिमान है। उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में इसका मरम्मत का जो कार्य है वो प्रारंभ कर दिया जाए। मुख्य बाजार में बद्रीनाथ हाईवे पर ऑल वेदर रोड के तहत निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था के कारणों से जनता परेशान हो चुकी है। सड़क चौड़ीकरण से पैदल रास्ते जहां क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं बिजली एवं पेयजल लाइनें भी टूट चुकी है। नालियों का निर्माण न होने से गंदा पानी सड़क में आ रहा है और जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नगर क्षेत्र के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर बनाया गया पुल की बुनियाद ही खोखली हो चुकी है। कार्यदायी संस्था मानकों के अनुरूप कार्य कर रही है, जिसमें जनता में कंपनी के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। जिलाधिकारी
वंदना सिंह ने कहा कि रुद्रप्रयाग मुख्यालय में सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, ऐसे में पैदल रास्ते, पेयजल व बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। एनएच के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और निर्देश जारी किए गए। दो दिन पहले एनएच के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग इसी उद्देश्य के लिए आयोजित की गई थी जिलाधिकारी कार्यालय में। उनको निर्देश दिए हैं कि प्राथमिकता के आधार पे जो यूटिलिटी शिफ्टिंग है, जिसमें बिजली के पोल और लाइनें, पानी की लाइनें और छोटे पैदल रास्ते हैं, उनको रिस्टोर करने का काम पहले किया जाएगा। एनएच के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अगले 10 दिन में वो सारे जो क्षतिग्रस्त मार्ग हैं और पेयजल लाइनें इत्यादि उनकी कटिंग के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई। डोईवाला में न्यायालय की कार्रवाई के दौरान छत का पलस्तर गिरने से हड़कंप मच गया। डोईवाला में सिविल जज की जूनियर डिवीजन की जज निशा सिंह की कोर्ट में मुलजिमों की पेशी चल रही थी कि अचानक से छत का पलस्तर जज के टेबल पर गिर गया, जिसमें सिविल जज निशा सिंह व उनकी स्टेनो बार बार बच गई। कोर्ट में 4 मुस्लिम के साथ 2 अधिवक्ता और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस भवन में कोर्ट चल रही थी वो भवन बहुत पुराना है और जीर्ण शीर्ण हालत में है। अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो ये कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। जिस टाइम ये घटना घटित हुई, मैं न्यायालय के अंदर ही था और जमानती अपने पेश कर रहा था। जब मैं जमानती पेश करने लगा तो मैडम जो है जमानती वेरीफाई कर रही थी, तो एकदम से टॉक से आवाज से आई ऊपर से, कुछ चप्पा टाइप ये जो है पूरा वहाँ से ये नीचे सीधा पूरा गिरा और एक बहुत भयंकर आवाज़ थी, बम के धमाके से भी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ थी। उसको देखते हुए एकदम फिर जो है एक सब में भय का माहौल हो गया है और मैडम ने डीजे साहब से भी कॉल करके कह दिया है कि ये मैडम ने बात कर ली है। खबर सितारगंज से, जहां पर पुलिस ने बेचने के लिए लाई जा रही 6 ग्राम स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को उनकी मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस की पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने अपना नाम पूरन सिंह और सोनू सिंह बताया। उन्होंने बताया कि बता दें आपको, ये लोग काफी समय से स्मैक को दरऊ किच्चा से नानक मत्ता बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDTS एक्ट पर चालान करके न्यायालय में पेश किया है। सायंकाल चेकिंग के दौरान सिसई खेड़ा निवासी पूरन और हजारा पीलीभीत निवासी सोनू को पकड़ा था। दोनों अपनी मोटरसाइकिलों से थे और पुलिस को देखकर भागने लगे और तलाशी में उनके पास लगभग 6 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई और दोनों ने पूछताछ में बताया कि वो दरऊ इच्छा से स्मैक खरीद कर यहाँ नानक मत्ता क्षेत्र में बेचते हैं। दोनों का NDTS एक्ट में चालान कर दिया गया है और दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खटीमा में छिनकी गांव में भाई के द्वारा ही भाई की हत्या करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई एक ही घर में अकेले रहते थे। हत्या की घटना देर रात की बताई जा रही है। दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर के आपसी विवाद हो गया था। छोटे भाई ने बड़े भाई को धारदार हथियार से मारकर इस घटना को अंजाम दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वही हत्या के कारणों की जाँच में जुटी पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ कहने से बच रही है। मामला छिनकी गांव का है। यहाँ पर दो भाई यहाँ रहते थे छिनकी गांव में और ये लगता है कि दोनों ने साथ में खाया पिया और फिर उसके बाद इनकी लड़ाई हुई और रात में छोटे भाई ने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से वार कर मार दिया और इसकी सूचना जब मुझे सुबह मिली तो मैं मौके में पहुँचा और वहाँ जाकर देखा तो सब जमीन में पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने सूचना कोतवाली खटीमा में कोतवाल साहब को दी और फिर वहाँ से कोतवाल साहब आए थे और पुलिस फोर्स भी आई थी, सीओ साहब भी आए थे, तो उसके बाद इनको यहाँ लेकर आए हैं सरकारी अस्पताल खटीमा में। रुड़की के बुग्गा वाला में अवैध खनन बड़े ही पैमाने पर चल रहा है, जिसकी खबर हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसका असर देखने को मिला है। जहाँ पर हरिद्वार स्टोन क्रशर मालिक द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर तथा एचएम द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना किसी ने बुग्गी वाला पुलिस को दे दी थी।
सूचना पाकर बुग्गीवाला पुलिस मौके पर पहुंचती है। 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक एचएम को कब्जे में ले लेती है। बुग्गीवाला थाने को लेकर सीज कर दिया गया। आपको बता दें, सूत्रों की माने तो पिछले कई महीनों बाद बुग्गीवाला पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई, जबकि क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर होता रहा है। अवैध खनन के चलते राजस्व को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें हरिद्वार जिले से कुल 145 करोड़ का राजस्व होना था, लेकिन अभी तक राजस्व के खाते में सिर्फ 10 करोड़ ही आ पाए हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि इस बात पर डीएम हरिद्वार ने संज्ञान लेते हुए सभी चौकियों तथा खनन क्षेत्र में कैमरे लगवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रुड़की के एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पुलिस को अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती तथा कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली तथा एक एचएम को सीज कर दिया गया। संबंधित रिपोर्ट उपजिलाधिकारी भगवानपुर को जल्द ही प्रेषित की जाएगी। बुग्गीवाला क्षेत्र अंतर्गत अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर बुग्गीवाला थाने की पुलिस के द्वारा 10 अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर और एक एचएम मशीन को सीज किया गया है। सभी के विरुद्ध अवैध खनन की रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध निरंतर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश सभी संबंधित प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को दिए गए हैं। बाजपुर में श्रेणी 6-2 की सरकारी भूमि पर लंबे समय से रह रहे लोगों के पास भूमि का अधिकार नहीं है। ऐसी भूमि पर काबिज लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भू स्वामित्व योजना चलाई गई है। इसी योजना के तहत तहसील क्षेत्र के सभी राजस्व लेखाकार रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी 4 चरणों में होने वाले सर्वे में लगे हुए, जिसके चलते अभी तक तहसील कर्मचारियों ने सर्वे के पहले चरण में लगभग 40 से अधिक गांवों के ग्रामीणों को चिन्हित कर लिया है जो सरकारी भूमि पर रह रहे हैं। साथ ही साथ श्रेणी 6-2 की भूमि पर चूना मार्किंग भी कर दी गई है। तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि अभी तक निज 40 गांव का सर्वे हो चुका है, जिसमें 1720 ग्रामीण हैं जो इस श्रेणी के लाभ क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही चारों चरणों की सर्वे रिपोर्ट बनाकर सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून को भेज दी जाएगी, जिसके बाद अगली कार्रवाई देहरादून से शुरू हो जाएगी। जो हमारे गांव की आबादी में श्रेणी 6-2 में जो परिवार बसे हुए हैं, उनको सरकार द्वारा उनको स्वामित्व, उनको मालिकाना हक देने की कार्रवाई चल रही है। तहसील बाजपुर के अंतर्गत लगभग 98 गांव हैं, जिनमें से 40 गांव का सर्वे चूना मार्किंग हो गया है और उनके KLM मैप जो गूगल से मैप बनते हैं वो बन गए हैं 25 गाँव के, और तीव्र गति से कार्य चल रहा है। और इसको हम उसके बाद हम ड्रोन उड़ाने की कार्रवाई करेंगे। 5 किलोमीटर की रेंज है ड्रोन की, वो ड्रोन के मैप बनेंगे, फिर सर्वे ऑफ इंडिया को भेजे जाएंगे और शीघ्र इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोगों में 1720 परिवार इसमें लाभान्वित हो रहे हैं? केंद्र सरकार के 3 तलाक कानून का मजाक उड़ता दिखाई दे रहा है, जहां आए दिन 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। बाजपुर के सीता कॉलोनी निवासी 2 सगी बहन रेशमा और सितारा का विवाह 6 साल पहले हुआ था। मुरादाबाद यूपी निवासी 2 सगे भाई अकरम और जाकिर के साथ हुआ था। दोनों बहनों को उनके पति ने एक ही दिन में 3 तलाक दे दिया। दोनों बहनों ने पुलिस में तहरीर देकर अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति शुरू से ही कम दहेज को लेकर के उनको ताने मारते रहते थे। कुछ दिन पूर्व दोनों बहनें अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई थी, जिसके बाद दोनों के पति अपने ससुराल आए व दोनों बहनों के साथ मारपीट करने लगे। वहीं गुस्से में दोनों के पतियों ने दोनों बहनों को 3 तलाक दे दिया। इस दौरान रेशमा का पति उसके 2 वर्षीय पुत्री को भी जबरन अपने साथ ले गया। वहीं बाजपुर के मुंठिया निवासी परजाना ने अपने पति पर मोटरसाइकिल न मिलने पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। मेरी शादी 8 अप्रैल 2017 में हुई थी, जिससे कि मैं 2 महीने तो सही रही। उसके बाद मुझे मेरे नंद केशर जहाँ और रफीक नंदोई रफीक और उसका लड़का मुझ पर फिर जुल्म करने लगा, अत्याचार करने लगे, मेरे ऊपर बहुत परेशान करने लगे, मुझे बहुत परेशान करने लगे। और फिर मुझे ना खाने को देते थे ना पीने को देते थे। मेरा बच्चा मेरे घर में था तब, उस टाइम से ही मुझे बहुत परेशान करने लगे थे और कह रहे थे तू दहेज लेके आ,
ना तो अगर तो दहेज ना लेगागी तो तुझे तलाक दिलवा देंगे। मेरी शादी को 6 साल हो गए अक्रम से हुई थी। मेरे साथ मारा पीटी करता, नशा करता, वो दहेज की मांग है। मैं गर्भवती हूँ, मेरे घर पे सुबह 9 बजे क्या कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ 3 बार। हाँ, आज सुबह आकर हमारे साथ मारपीट की और 3 तलाक दे दी। तुम हाँ, दोनों बहनें एक ही घर में है, दोनों भाइयों को, दोनों भाइयों आके तलाक दे गए। आज सुबह 2 बच्चे मेरी एक लड़की को उठा के ले गए, 2 साल के बच्ची है मेरी, मुझे न्याय चाहिए। 3 तलाक को लेके यहाँ पे 3 तहरीर प्राप्त हुई है। इन तहरीर में दो तहरीरों में दो बहनें हैं जिनके पति द्वारा उनको दहेज इत्यादि के लिए तलाक की बात कही गई है। इन तहरीरों को जांच तलब किया गया है, जांच के उपरांत इनमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इससे पहले भी एक मामला आया था, उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आगे की कार्रवाई की गई थी। इसमें भी जाँच करके आगे जो भी जैसा रहेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे लेकिन डेंगू से बचने के लिए। हम 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं, अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर बात। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सतारगंज नगर इकाई द्वारा छात्र संघ सचिव व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेश कुमार के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। प्रदेश कार्यकारिणी ने से देवेश कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष सदस्यता अभियान चलाता है, लेकिन पिछले वर्ष तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बुक के माध्यम से लिखित अभियान चलाया गया था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया। विद्यार्थी परिषद विगत काफी दिनों से लगातार सदस्यता अभियान चला रहा है, लेकिन आज विद्यार्थी परिषद केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर महासदस्यता अभियान चलाया गया है। इसी को देखते हुए सतारगंज नगर इकाई में अलग अलग टोलियां बना करके पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। पिछले वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य 33 लाख थे, जिसको देखते हुए अखिल भारतीय परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बना है। जो प्राध्यापक है उनके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता दिलाई गई है, जिसमें अभी हमने यश अरोरा जी की सदस्यता कराई। इन्होंने ये 2012 से सदस्यता लेते हुए आ रहे हैं। आज इसी प्रकार हमारी टीमों का गठन कर दिया गया है, जो पूरी विधानसभा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में सदस्यता का जो आज है महाअभियान चलाया जा रहा है। तो इसको देखते हुए आज पूरे क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यता करा रहा है, और प्रत्येक वर्ष हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यता कराता है, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल में मार्च में कोरोना लॉकडाउन के बाद अब वीकेंड पर पर्यटकों की
आमद में इजाफा होने लगा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में 3 दिन आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट से छूट के लिए अरसे बाद बंद पड़ी पर्यटन गतिविधियां शुरू होने लगी। आपको बताते चले, 3 दिनों के राज्य में आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट में छूट के बाद गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। वीकेंड में पर्यटकों की बढ़ती आमद से वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में फिर से रौनक लौटने लगी है। पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटक यहां पहुंच करके घुड़सवारी और झील में नौकायान के साथ साथ खुले मौसम में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का नजारा देखने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजी रोटी के लिए दूसरे का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। पर्यटकों की आमद बढ़ने के बाद शहर में बंद होटल व गेस्ट हाउस खुलने लगे हैं। फिलहाल 1 दर्जन बड़े तथा 2 दर्जन छोटे होटल खुल चुके हैं। अक्टूबर महीने से अधिकांश होटलों के खुलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बाहर निकल के ऑब्वियसली काफी अच्छा लग रहा है। 6-7 महीने से घर के अंदर थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, तो अब थोड़ा बाहर निकले हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर मैं बस ये मैसेज दूंगी कि बाहर निकल सकते हैं आप, बट थोड़ी सेफ्टी रख के कि हाँ मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने पास सैनिटाइजर रख रहे हैं ताकि कुछ भी टच कर रहे तो फिर हम साफ कर रहे अपने हाथों को। हम पहले भी आए थे, अगस्त में आए थे, तो बोटिंग बंद थी यहाँ पे। मैं जब आती हूँ बोटिंग तो करती हूँ, तो अपने पापा को अपने साथ लाई हूँ, बट हम बहुत खुश हैं कि बोटिंग खुल गई। और व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो इतना टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, फाइनली उनके लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मुख्य विकास भवन कार्यालय के सामने ही जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। यहां पर कुछ लोगों ने जिला विकास अधिकारी के नाम की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया और सामने विकास भवन में बैठे अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। ये सब कुछ तहसील प्रशासन राजनीति के लोगों पर शाह हो रहा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में विकास भवन की जमीन पर कब्जा। विकास भवन के सामने ही किया जमीन पर कब्जा। जिला विकास अधिकारी के नाम पर किया गया फर्जीवाड़ा। जमीन की क्रय विक्रय पर रोक के बाद भी सोया प्रशासन। तहसील प्रशासन की मिली भगत से एक जमीन के 4 मालिक बने। जीरो टॉलरेंस की नीति को अधिकारी लगा रहे चूना। राजनीतिक दबाव में काम कर रहा तहसील प्रशासन। कागजों में जमीन को ज्यादा दिखाकर बेचने का षड्यंत्र। रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मुख्य विकास भवन कार्यालय के सामने ही जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। यहां पर कुछ लोगों ने जिला विकास अधिकारी के नाम की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है और सामने विकास भवन में बैठे अधिकारी मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। ये सब कुछ तहसील प्रशासन और राजनीतिक लोगों की शह पर हो रहा है। तहसील प्रशासन के अधिकारी अवैध निर्माण कर रहे लोगों से मिले हुए हैं, जिससे वो बेखौफ होकर जिला विकास अधिकारी की जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला निर्माण के 17 वर्षों बाद जिले का विकास भवन बनकर तैयार हुआ। 18 सितंबर वर्ष 1997 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मायावती सरकार ने रुद्रप्रयाग जनपद निर्माण की घोषणा की थी। जिला निर्माण के बाद जैसे तैसे विभागों का संचालन शुरू हुआ। प्रथम दौरे में तो कई वर्षों तक जनपद स्तरीय अधिकारी पैतृक जनपद चमोली से ही कार्यों का संचालन करते रहे, लेकिन इसके बाद राज्य निर्माण होने से जिला स्तरीय अधिकारी जिले में ही तैनात किए गए। अधिकारी तो तैनात हुए, लेकिन भवन के अभाव में विभागीय कल्याण किराए में भवनों में शुरू किया गया। कई विभाग तो रुद्रप्रयाग शहर के बीचों बीच स्थित पर्यटन विभाग के अतिथि गृह में संचालित हुए। जिलाधिकारी कार्यालय भी इस अतिथि गृह में संचालित हुआ, मगर विकास भवन जिस जगह बनाया गया वहां जाने के लिए लोगों का पसीना बहाना पड़ा और तो और विकास भवन की जमीन पर ही कुछ लोगों ने कब्जा करना भी शुरू कर दिया। विकास भवन के सामने जो जमीन जिला विकास अधिकारी के नाम पर है, उस जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य खुलेआम किया जा रहा है। अधिकारियों के सामने ये खेल चल रहा है, मगर कोई मजाल की कोई कुछ कर पाए। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि राजस्व उप निरीक्षक ने यह सब कुछ गड़बड़छाला किया है, ऐसे में मामले में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
50 वर्ग मीटर राष्ट्रीय विकास भवन के नाम है और 80 वर्ग मीटर मेरी है जो कि 30 वर्ग मीटर एक्स्ट्रा कर रखी है। मैंने इसकी शिकायत की है डीएम साहब से और एसडीएम साहब से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने 176 का दावा किया। 176 का दावा करने के बाद इस दोनों खसरानों पे 93 और 94 पे रोक लगी हुई है, कोई भी किराए बिकराए पे। उसके बावजूद भी इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी की कर रखी है और सीडो साहब को भी कर रखी है और एसडीएम साहब को भी कर रखी है। और उसके बाद भी इस पर जो है निर्माण कार्य चल ही रहा है। भवन की जो जमीन है इस पर जो है अवैध रूप से कब्जा हो रहा है। एक ही खेत नहीं है ये, इसके अलावा और खेत भी हैं, कई खेत हैं ये जो जिन पे कब्जा हो रहा है। वही मामले में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि विकास भवन की भूमि पर कब्जे की शिकायत मिली है। मामले में सर्वे टीम को सीमांकन करने को कहा गया है और अगर कोई जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा है तो इसके लिए एसडीएम को कार्य रुकवाने के निर्देश दिए जाएंगे। विकास भवन के भूमि पर कब्जे के विषय में एक शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी। उसके क्रम में हमारे पास एक सर्वे की टीम है जिसके माध्यम से उसका पैमाइश कराने के लिए निर्देश जारी किए गए थे और पैमाइश कंप्लीट होने तक उस पर उपजिलाधिकारी के माध्यम से यथास्थिति के आदेश पारित किए गए हैं। यदि उस पर निर्माण कार्य की शिकायत सामने आ रही है तो जाँच कराकर एक्शन लिया जाए। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारे छत्तीसगढ़ यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार।